हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मतलब कहते नहीं है, सामने वाले ने गुरूर को तोड़ना ही है तो भाई तोड़ना ही है। मतलब अभी आप है ना, रिजल्ट के एक्साइटमेंट, रिजल्ट की नर्वसनेस में आप इंटर किए ही हो गए 2-3 दिन पहले कि आईसीए ने आपके सामने एक और नर्वसनेस, एक और चीज निकाल दिया, बवंडर बोलते हैं उसको सर। वो देख के ना बड़ो बड़ो किया ना सर, हालत खराब हो जाती है। और संदीप महेश्वरी जी का मोटिवेशन क्या, वो चीज देख के आप ऑलरेडी मोटिवेशन मिल जाता है आपको, ऑलरेडी आपके सारे बुक्स खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, सारे दिमाग वहां चला जाता है। सर, किस चीज की बात कर रहे हो भैया? आईसीआई ने आपको नवंबर 22 का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो रेडी हो जाइए। एक का रिजल्ट अभी आया ही नहीं और दूसरा आपको नोटिफिकेशन एग्जाम का मिल गया, तो ऐसे आपको मौका भी नहीं देने वाला। दोस्त, 15 से पहले 14 को सोच लो कि आपको नवंबर में पेपर में बैठना है या नहीं बैठना है, या एक दिन तो रुक जाते, कम से कम 16 को दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, निकाल तो दिया है। तो वही बोलूंगा, सीए फाइनल स्टूडेंट और सीए इंटर को तो रिजल्ट अभी कुछ क्लियर नहीं है। सीए फाइनल स्टूडेंट जो है भैया, उनके लिए सही में यही मीन मेरे को लग रहा है सबसे बेस्ट है। ठीक है भाई, सांस तो लेने दे। ठीक है, अब सांस लो या नहीं लो भैया, आपको 14 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट और सीए फाइनल स्टूडेंट, आपका नवंबर 22 का पेपर आने वाला है। तो टाइम फ्लाइज, दिसंबर से मई का पेपर आया भैया, अब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाला है। जो बोल लेते हैं ना नवंबर पेपर बहुत दूर है, अब ये देख के ना उनकी जमीन क्या होते हैं, पैरों के नीचे जमीन निकलने वाली है दोस्त। ठीक है, तो अब जो तैयारी कर रहे थे, जी जान लगा दो भाई। बोधरू वाले को तो अभी तो आग लगा देना चाहिए, लग जाना चाहिए अपने रिविजन में। सिंगल ग्रुप वालों भाई क्या कर रहे हो, एक पेपर का लोड है उसमें भी तुम ऐसे करोगे? बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको पता ही नहीं चलता, एक महीना में उन्होंने कितना कम पढ़ रखा है, लास्ट में बोलते भैया एक महीना निकल गया। हाँ दोस्त, निकल गया क्या, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भी आने वाला है, एग्जामिनेशन डेट आ चुका है। तो संदीप महेश्वरी से बड़ा एग्जाम मोटिवेशन यही होता है। ठीक है, ये देख के ना मैं अपना टाइप की बात कर रहा हूँ, मैंने ना तुरंत बुक को खोल के, मतलब अलग ही नर्वसनेस हो जाता है ये भी एक तरह से। तो इंटर का एग्जाम आने वाला है, ग्रुप 1 स्टार्ट होगा 2, 4, 6, 9, ग्रुप 2 11, 13, 15, 17 एज यूजुअल प्रॉपर सही टाइम पे स्टार्ट हो गया एग्जामिनेशन। तो कहीं ना कहीं आईसीए ने अपना एग्जामिनेशन प्रॉपर ट्रैक पे लिया आया, जो कोरोना से कहीं ना कहीं 2 मंथ, फिर 1 मंथ, फिर 15 दिन ऐसे करके चल रहा था, अब हमारा एग्जामिनेशन प्रॉपर ट्रैक पे आ गया, जो एग्जामिनेशन टाइम पे होता था। फाइनल भैया 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 1 तारीख को आपको एफआर का जलवा दिखेगा। ठीक है, और 25 से तो आप लग ही जाओगे कहीं ना कहीं, 25-26 से तो आपके पास टाइम कितने बचे हैं, 16 दिन जुलाई के, 31, 31, मतलब गिन के मैं बताऊं आपको 110 दिन भी नहीं बचे होंगे शायद, अगर मैं लेके चलूं 16 दिन जुलाई के। ठीक है, 30 अक्टूबर मान लो 25 दिन, तो क्या बचा है भाई, 61, मतलब 100 डेज आपके हाथ में भाई, स्टार्ट हो जाओ। 100 डेज मोस्ट प्रोबेबली आपके हाथ में 100 डेज है भाई, स्टार्ट हो जाओ, आपकी प्रिपरेशन लग जानी चाहिए, जी जान तोड़ करना पड़ेगा आपको। बहुत लोग बालो आपके लिए पर सब्जेक्ट में बताऊं तो अच्छे से आपके लिए पर सब्जेक्ट सर सर 15 दिन भी नहीं है, 15 दिन भी नहीं है पर सब्जेक्ट अब तो। ठीक है, तो 12-11 दिन है, 13 दिन है, आराम से भाई मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फाइनल वालों 1 तारीख से आपका जलवा स्टार्ट हो जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर सब कुछ बताया गया है सर। और क्या इंपॉर्टेंट है, कब से फॉर्म आने वाला है, सब फॉर्म आने वाला है 21 जुलाई से एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा आपको, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए 10-10 अगस्त इज द लास्ट डेट। ठीक है, और लेट फीस के साथ आप 17 अगस्त तक फाइल कर सकते हो, अपना एग्जाम फिल कर सकते हो एग्जामिनेशन फॉर्म। इंटरमीडिएट के लिए 1500, बोथ ग्रुप 2700 रुपया, और फाइनल्स के लिए सिंगल ग्रुप 1800 और 3300 रुपया बोथ ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो चलो क्या कर सकते हैं, कल रिजल्ट से पहले, कल तो हम भाई लाइव आने वाले हैं 12 बजे। ठीक है, तो प्लीज फाइनल वालों आते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं रिजल्ट से पहले, 11 बजे कोशिश करूंगा लाइव आने का, 11-12 के बीच में आ जाएंगे, थोड़ा डिस्कस करते हैं, नर्वसनेस को ना कम करते, क्योंकि आदमी होना चाहिए बात करने वाला। तो कोई बार लाइव आते हैं, गप्पे लगाते हैं, कुछ हम यूनिक चीज देखेंगे, रिजल्ट को अपडेट करेंगे, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो मिलते हैं कल, और बस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, तो वही बात है, आप बोल सकते हो भैया ये मीम आपके लिए ही था। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ पढ़ाई स्टार्ट कर दो, निगेटिविटी को दूर करो, बाहर क्या चला सब भूल जाओ, रूम लॉक करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के टाइम बनाओ, ज्यादा 5-6 घंटे मत बैठो, वो हेल्थ इशू कर सकता है आपके लिए, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे बताओ, 10 मिनट वॉक वॉक करो, फिर वापस आना बैक टू वर्क अपना स्टार्ट कर लो, 4 सेटिंग्स बनाओ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं यार, थोड़ा तो गो थ्रू किया करो। ठीक है, फ्री टाइम है, चलो बस कम टाइम बचे, मेहनत करो भाई, मेहनत ही आपको पास करवाएगा, 10-15% रिजल्ट में आप रहोगे जब आपकी मेहनत पूरी होगी। ठीक है, चलो बाय।